दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल एकेडमी रीवा। खबर रीवा के मऊगंज से है, जहां अपनी ओछी हरकतों से एक बार फिर मऊगंज विधायक ने अपनी सरकार और जिला प्रशासन को कदघरे मिलाकर खड़ा कर दिया। जहां पर लोकार्पण की जल्दबाजी में निर्माण कार्य से खिलवाड़ किया गया, बिल्डिंग की दीवारों का प्लास्टर उपरांत बगैर तराई के करवा दिया गया प्लास्टर। अभी तो बिजली की फिटिंग और फर्श का काम चल रहा है। आपको बता दें, अपने पूरे कार्यकाल में मऊगंज के विकास के नाम पर जीरो और जिले के सबसे फिसड्डी विधायक के हाथों अब जनता को गुमराह करने के सिवाय कुछ भी शेष नहीं बचा है। ऐसे में उनके द्वारा सिविल अस्पताल का निर्माण काम सही तरीके से 45% के लगभग भी पूरा नहीं हुआ, तो जनता को अपनी उपलब्धि बताने के लिए 29 अप्रैल की शाम को लोकार्पण कर दिया गया। इसमें हकीकत तो ये है कि अस्पताल का नवीन भवन अभी बनकर तैयार नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग पर सत्ता की धौंस और ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाकर जल्दबाजी में लोकार्पण करने की तैयारी में अब भवन के गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। लोकार्पण को लेकर जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा कि भाजपा विधायक ने ओछी और घटिया राजनीति की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। भाजपा विधायक ने पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह मन्ना के कार्यकाल से शुरू हुआ मऊगंज सिविल अस्पताल के निर्माण की उपलब्धि लेने के लिए आकुल तो हैं, लेकिन यहां पर विशेषज्ञ और चिकित्सकों और एक्सरे की आवश्यक जाँच की सुविधा का अभाव है। अन्य जीवनदायी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान नहीं है। मरीजों के जीवन रक्षा में खर्च होने वाले लाखों रुपयों को लोकार्पण में खर्च कर दिया है, और ऐसे में जनता का कितना भला होगा, इनका भविष्य गर्त में है। लेकिन हमेशा की तरह जिले में आरोपों से घिरे रहने वाले जिला स्वास्थ्य प्रशासन और मऊगंज विधायक ने अपना भला जरूर करते दिख रहे हैं, जिसमें सीएमएचओ रीवा मऊगंज बीएमओ की संलिप्तता भी साफ नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में लोकार्पण के लिए देवतालाब अस्पताल से बेड आदि मंगवा कर भवन में सजाया गया है। सिविल अस्पताल के अधूरे लोकार्पण के संदर्भ में जब बीएमओ मऊगंज एमडब्ल्यू मंसूरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं है। मऊगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट। देने वाली है वो दोनों टाइम घर पे आपको भोजन नहीं मिलेगा, पौष्टिक आहार को छोड़ दीजिए, पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, दोनों टाइम घर पे भोजन नहीं मिलेगा, तो जो बच्चा पैदा होगा वो कुपोषित पैदा होगा, कमजोर पैदा होगा, और जब कमजोर बच्चे पैदा होंगे इस देश में तो देश हमारा महान और मजबूत कभी नहीं बन सकता। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल मऊगंज सिविल अस्पताल का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ। मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि वर्तमान विधायक अभी सिविल अस्पताल बनकर तैयार नहीं हुए, उसके काम पूरे नहीं हुए, लेकिन ठेकेदारों पे, प्रशासनिक अधिकारियों पे लगातार वो दबाव बनाते रहे, जिसका उदाहरण कल देखने को मिला। उन्होंने लाखों रुपए इस लोकार्पण में झोंक दिए, झूठी लोकप्रियता पाने के लिए लगा दिए। मैं समझता हूँ यह जो राशि है वह कहीं ना कहीं मरीजों के अगर स्वास्थ्य में या मरीजों के देखभाल में उनकी दवाई में खर्च की जाती तो वह जनता के हितार्थ होती, लेकिन जिसका दुरुपयोग किया गया। आप सब जानते हैं कि सिविल अस्पताल अभी पूर्णतः बनकर तैयार नहीं है, फिर भी उसका आनंद फानंद में लोकार्पण किया गया। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, इस भ्रष्टाचार में वो भी संलिप्त, और संलिप्त होने का कारण मैं समझता हूँ कि सत्ता सरकार और ये विधायक जी का दबाव है। हम लोग जब बचपन में देखते थे वही स्थिति आज भी है, बिल्डिंग बन गई उससे थोड़ी लाभ कुछ नहीं है, कोई माने कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, संचालन करने वाले लोग नहीं हैं, कुशल संचालन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई लेना देना नहीं है, तो ये विधायक जो है तो इसके आदि हैं। उद्घाटन से जनता को क्या फायदा होगा बता रहा हूँ, कोई जनता को लाभ जब आप जो है तो आपके पास कोई सुविधा नहीं है, बिल्डिंग बन गई है, जब हमारे पास डॉक्टर नहीं है, उसकी पैथोलॉजी नहीं है, उसके लोग उपकरण नहीं है, तो उसका जनता को क्या लाभ मिलेगा भाई? क्या बिल्डिंग से जनता को लाभ मिलेगा? उससे तो हमको जब डॉक्टर मिलेंगे, जब उससे हमारी जो मशीनें हैं वो आएंगी, संचालित करने वाले योग्य लोग आएंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर एमडी और डीएम स्तर के लोग यहाँ पर आएंगे, तब ना उसका लाभ मिलेगा। तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। विधायक जी को हो सकता है कोई व्यक्तिगत लाभ हो या कि राजनैतिक लाभ मिलता हो, ये भगवान जाने वो जाने।